सिंघू बॉर्डर के जो आसपास के गांव के लोग हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल ये मिलने के लिए आया था। उनकी मुख्य समस्या तो जो रास्ता है सिंघू बॉर्डर का उसको खोलने के लिए उनकी ओर से डिमांड थी। इसका जैसे आपको पता है कि सर्वदूर इसकी मांग है कि रास्ते खोले जाएं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। पिछली 4 तारीख को उन्होंने बुलाया था, हरियाणा सरकार को भी बुलाया था, संबंधित पक्षों में किसानों के प्रतिनिधियों को उस समय नहीं बुलाया था। बाद में उन्होंने 4 तारीख को कहा है कि अब किसानों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए, तो उनको सबको भी 43 लोगों को पार्टी बनाया है और उनको भी नोटिस जारी हुए हैं। तो अगली 20 तारीख वहाँ लगी है, उनको वहाँ बुला करके और यह सारा रास्ते का मुझे लगता है कि जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। होम सेक्रेटरी के नेतृत्व के देखरेख में एक कमेटी बनाई थी, उसमें पहले किसानों को बुलाया था, उनके प्रतिनिधि आए नहीं थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पार्टी नहीं बनाया है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि उनको सबको हाजिर करेंगे, उनको सबको नोटिस जाएंगे होम डिपार्टमेंट की ओर से और सभी को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बुलाने के लिए कहा है, तो निश्चित रूप से वो आएंगे तो उन्हें समाधान के लिए कहेंगे।